हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत वैकेंसी आई है, जहां पर 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डीएड स्टूडेंट एप्लीकेशन कर पाएंगे। यहां पर सैलरी भी जो है वो मैंने थंबनेल में मेंशन कर दी है, जहां पोस्ट के नाम अगर हम देखें तो पैडागोजी, इंग्लिश और सोशल साइंस की जो पोस्ट है वहां पर मंथ सैलरी 31,400 रुपये आपको मिलने वाली है। रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN यहाँ पर 25,780 सैलरी दी जाएगी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 21,775 रुपये, ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सैलरी 18,000 है। इसी तरीके से बाकी जो है सैलरी आप देख सकते हैं, वर्क एजुकेशन टीचर की, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की है और अकाउंटेंट की है। और भी कई पोस्ट हैं जो कि हम नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं। ऑल स्टेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो अभी जो है बाकी सारी चीज़ें हम मेन वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है टीचिंग से संबंधित, वो सभी आप लोगों को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है और आगे भी जो है वो मिलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। समग्र शिक्षा मोती दमन से ये वैकेंसी आई है और 4/9/2023 4 सितंबर की एडवर्टीजमेंट आई है, बेसिस अंडर समग्र शिक्षा। तो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल, जिसमें पैडागोजी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, उसके बाद जो है रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी जो है कुल जो वैकेंसी है वो 11 है टोटल संख्या। स्पेशल एजुकेटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यहाँ पर वैकेंसी जो है इनकी 8 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर में सेकेंडरी, एलिमेंट्री दोनों ही तरीके की मिलेगी आपको। सेकेंडरी में जो यहाँ पर सैलरी अधिक है 27,000 और एलिमेंट्री में जो है 26,000 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं, एज हम देखते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कंपलसरी जो आपको चाहिए, तो BA, BSc, BCom और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 50% मार्क्स में आपने स्नातक किया है, BEd है आपके पास, या BLed है 12th के साथ में, या BSc BEd, या BCom BEd, या BA BEd है, तो आप यहाँ पर पैडागोजी, इंग्लिश, सोशल साइंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 साल से अधिक जो है वो उम्र नहीं होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर द ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, और समय समय पर जो है यहाँ पर जो भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो जो है जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है टेट जो है वो कंपलसरी रखा गया है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ टेट जो है वो आपका होना चाहिए, सी टेट आपका कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट BRC, यहाँ पर ग्रेजुएट, BEd स्पेशल एजुकेशन के साथ चाहिए, या आपने BEd जनरल भी करा है, सामान्य करा है, और साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या 2 साल का डिप्लोमा है एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। रिसोर्स पर्सन की यहाँ पर उम्र जो है वो 35 साल ही रखी गई है। नेक्स्ट, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पर BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT में BSc, कंप्यूटर एप्लीकेशन में BBA या BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT, साथ में यहाँ पर जो है इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो है वो मांगी गई है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% जो है वो होने आपके चाहिए। यहाँ पर ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की जो उम्र है वो 30 साल रखी गई है। ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, 30 साल जो है यहाँ पर उम्र रहने वाली है। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी में,
तो यहाँ पर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, बाकी आप देख सकते हैं 1 साल या 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, बीएड सामान्य कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर किया है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा जो है वो आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। बाकी यहाँ पर जो है डिजायरेबल है कि 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन में, तो यहाँ पर 12th मांगा गया है 2 साल की डीएड स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है अगर तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और भी जो है यहाँ पर कई ऑप्शन है, जैसे प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इन विजुअल इम्पेयरमेंट, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डिफ, तो ये भी आपके लिए जो है यहाँ पर रहेगा। 30 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेटर के लिए। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है नीचे इसी के दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसे जो है वो आप फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन 66 KV रोड, अमली, सिलवासा। सिलवासा से वैकेंसी है और 3962 30, ये जो है इसका पिन कोड नंबर है। 21 सितंबर शाम 5 बजे से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन कर देनी है। यहाँ लिखा है कि सिंगल एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट, एक पोस्ट के लिए आप केवल एक ही एप्लीकेशन करें, दूसरी पोस्ट के लिए आप जो है वो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को सबमिट कराना है। आप जो है सीधे भी जा सकते हैं ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो एड्रेस दिया है यहाँ पर, या बाय पोस्ट भी जो है वो आप लोग भेज सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट आई है, और यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट है वर्क एजुकेशन टीचर की है, लाइब्रेरियन की है, लैब असिस्टेंट की है और अकाउंटेंट की है। एक एक पोस्ट है इनकी, सैलरी जो है वो मेंशन की गई है 13,000, 14,000, 15,000 और 18,000। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है, 30 साल जो है उम्र रहने वाली है, तो यहाँ डिग्री या डिप्लोमा जो है टीचर एजुकेशन में आपका होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर BSc डिग्री इन सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है। बाकी जो है वो आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर कोर्स का 3 महीने का जो है वो होना जरूरी है। सभी के लिए उम्र जो है वो 30 साल रखी गई है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ BCom मांगा गया है 50% अंकों के साथ में। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है। दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लास्ट डेट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों ही एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, सबसे पहले आपको इसकी मेन वेबसाइट पर आना होगा, यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट आपको नजर आ रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और जितनी भी एडवर्टीजमेंट अभी तक आई है तो वो सभी आपको नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए केवल 2 ही एडवर्टीजमेंट दिखाई हैं, बाकी आप देख सकते हैं और भी हैं, जैसे सार्वजनिक विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एडवर्टीजमेंट आई है, जहां पर आंगनवाड़ी की जो है वो पोस्ट आई हुई है, ठीक है। और भी कई वैकेंसी आप देख सकते हैं जो कि सितंबर माह की ही हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को टीचर्स की जो वैकेंसी दिखाई है तो एक एक करके जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है सबसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ जाएगा, जहां पर पैडागोजी इंग्लिश सोशल साइंस रिसोर्स पर्सन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्पेशल एजुकेटर, इसकी एडवर्टीजमेंट आपको कंप्लीट मिल जाएगी और नीचे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो ध्यान में रखनी है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर है। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट आप लोगों को मैंने दिखाई है यहाँ पर समग्र शिक्षा के तहत ही है ये भी एडवर्टीजमेंट, इसको जो है वो आप लोग व्यू पर क्लिक करेंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है, ठीक है, जहाँ पर वर्क एजुकेशन टीचर लाइब्रेरियन लैब असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो ये दोनों ही एडवर्टीजमेंट जो है वो और भी अच्छे तरीके से देखने के लिए इसकी मेन वेबसाइट पर जो है वो आप जाएं और
एडवर्टीजमेंट जो है वो कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद ही जो है आप लोग एप्लीकेशन करें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो तीन लिंक जो है वो दिए गए हैं, तो इन तीनों लिंक को जो है स्क्रीनशॉट ले लें यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो यहीं पर जो है वो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।